आज हमारे पास लेनवो V110 लैपटॉप आया है। इसमें प्रॉब्लम तो ये देख सकते हैं, फिज़िकली डैमेज है। ये जो यूएसबी जैक है, यूएसबी पोर्ट, ये डैमेज हो चुका है। तो अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें पावर आ रहा है या नहीं। पावर चेक करने के लिए क्या करना है, लैपटॉप को ऑन कर लीजिए आप। यूएसबी कनेक्ट करना है, माउस है, माउस माउस को, क्योंकि इसमें USB 3.0 जो है वो तो सही सलामत है। सिर्फ इसमें देखना है हमें सप्लाई का प्रॉब्लम है या डाटा वगैरह का। तो जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे, अगर LED माउस पे कोई ग्लो करता है तो हम देख सकते हैं कोई भी LED ग्लो नहीं कर रहा। माउस की LED जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब सप्लाई नहीं बन पा रहा है। ओके, तो इसे खोलते हैं जल्दी से और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये बोर्ड ऑन माउंट हो चुका है। सबसे पहले हम USB को शॉर्टिंग वगैरह के लिए चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर ओके कनेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिन है ग्राउंड से बीप आ रहा है, मतलब जो पिन नंबर 4 है और इसी के पास में जो पिन है ये डाटा पॉजिटिव होता है। ये पिन नंबर 4 के बाद पिन नंबर 3 डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव और उसके बाद VCC। बट यहाँ पे क्या है कि बोथ साइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ग्राउंड से बीप आ रहा है। USB VCC जो है वो ग्राउंड से बीप आ रहा है, मतलब इसमें USB VCC शॉर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं भी USB का सप्लाई के लिए जो स्विच होता है, USB स्विच या USB IC, वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मे बी बैक साइड होगा। हम इसे एक बार अनमाउंट कर लेते हैं, कम्प्लीटली बोर्ड से बाहर निकालते हैं उसके बाद देखेंगे। तो ये इसका मदरबोर्ड है, क्लीन कर देता हूँ इसे अच्छे से, जो भी इसके ऊपर लगा हुआ है स्लोली निकालना है आपको और ध्यान देते जाना है। कुछ कंपोनेंट तो इसके साथ नहीं आ रहे ना, बिल्कुल आराम से चीटी वगैरह भरा पड़ा है इसके अंदर। तो ये कम्प्लीटली निकल चुका है बाहर, संभाल के रखिए, उसे लगाना है हमें। मैं कैमरे को क्लोज ले लेता हूँ। तो अभी हम चेक करते हैं इसका यूएसबी स्विच। यूएसबी के सेक्शन में शॉर्टिंग आ रहा है, तो मल्टीमीटर का एक प्रॉब हम ग्राउंड पे लगाएंगे। यहीं पे देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं, ये है आपका यूएसबी स्विच। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, अगर आप पहले के वीडियोस में देखे होंगे तो लेटेस्ट मदरबोर्ड जो होते हैं उसमें कुछ इस तरह का यूएसबी स्विच होता है। ओके, ये है इसका यूएसबी स्विच। तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे आपको चेक कराऊँ आउटपुट में तो देख सकते हैं ये ठीक है, बट ये ग्राउंड के साथ भी बीप आ रहा है। मतलब यूएसबी स्विच या तो शॉर्ट हो चुका है या फिर यूएसबी स्विच के बाद जो भी इनपुट में कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो चुका है। यूएसबी के साथ कनेक्ट क्लियर है, ये देख सकते हैं ये बड़ा सा कैपेसिटर और ये छोटे छोटे कैपेसिटर भी ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है। ये छोटे छोटे कैपेसिटर और एक ये बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी ग्राउंड के साथ
बीप दे रहा है। तो ये भी ख़राब हो सकता है या फिर ये छोटे छोटे कैपेसिटर भी डैमेज हो सकते हैं। हम क्या करेंगे अभी एक बार 5 वोल्ट यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। 5 वोल्ट इंजेक्ट करने से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम कैपेसिटर चेंज कर देंगे सारे के सारे कैपेसिटर। फिर हम आईसी को नहीं रिमूव करेंगे और खैर हमें पोर्ट तो भी चेंज करना ही है पोर्ट भी। तो डीसी रेगुलेटर को हमें सेट करना है 0 पे और आउटपुट प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज़ करना है। एक बार मैं ग्राउंड पे टच करके चेक कर लेता हूँ हमारा डीसी रेगुलेटर कनेक्टेड है या नहीं। तो डीसी रेगुलेटर एम्पेयर ले रहा है, मतलब डीसी रेगुलेटर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। देखिए एम्पेयर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो कितने वोल्टेज वायरिंग कर रहा है, वोल्टेज कौन किस सकते हैं, हम 5 वोल्ट यूज कर सकते हैं। हल्का सा पेस्ट लेना है और जो भी इसके आसपास कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के ऊपर हल्का सा पेस्ट डाल देंगे। एक स्विच ये है, एक स्विच यहाँ पे है और एक स्विच ये है। ओके तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, पेस्ट अप्लाई कर दिया है। अब हम डीसी रेगुलेटर से वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं किधर क्या होता है, आइडिया मिल जाएगा आपको। आउटपुट में है अभी, हम वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ ये जो यूएसबी स्विच है ये यूएसबी स्विच ही डैमेज है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्लियर। मैं यहाँ पे फिर से हल्का सा पेस्ट अप्लाई करता हूँ। अगर मैं आपको मल्टीमीटर से टेम्परेचर चेक करवाऊँगा तो भी कन्फर्म हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हल्का सा पेस्ट डाला है और यहाँ पे मैं वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो जब 1 एम्पियर के आसपास जाएगा तो क्लियरली दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट मिल्ट होने लग गया है। ओके तो कंफर्म हो गए ये जो यूएसबी स्विच है ये यूएसबी स्विच चेंज करने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहले यूएसबी स्विच भी चेंज होगा और यहाँ जो हमारा एक यूएसबी डैमेज हो चुका है ये यूएसबी भी हमें चेंज करना है। तो पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, एक बार बोर्ड से इसे निकाल देते हैं। रिवर्क स्टेशन को एसएमडी को अपने हिसाब से जो भी आपका एक्सपीरियंस है जैसे आप काम करते हो या फिर आपका जो भी ब्रांड का एसएमडी है उसके हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट कर लीजिए। तो ये रिमूव हो चुका है जो कि डैमेज था पहले के लैपटॉप में भी हमने देखा था। सेम इसी तरह से हमें एक डैमेज मिला था। प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये रिमूव हो चुका है। अभी हम फिर से यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं और देखते हैं और भी कहीं कुछ शॉर्टिंग वगैरह का केस है क्या। हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकते हैं। जैसा कि कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एम्पियर नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं कोई भी एम्पियर नहीं आया, मतलब अभी ये ठीक है। अभी यहाँ का जो भी शॉर्टिंग का इशू था वो जा चुका है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये स्विच जो है इस स्विच के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक स्विच ढूंढेंगे और उस स्विच को यहाँ पे लगाएंगे और साथ ही साथ ये यूएसबी भी चेंज होगा। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ वो स्विच मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट मिल जाता है। ओके तो जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आउट हो जाएगा ये 5 वोल्ट जो इन आ रहा है वो यहाँ से आउट हो जाएगा पावर बटन प्रेस होते ही। तो देख सकते हैं पावर बटन प्रेस करते ही यहाँ पे 5 वोल्ट आ चुका है। तो हम जो जम्पर करेंगे अभी इस कैपेसिटर से एक जम्पर लेके जाना है हमें जो कि
हम यहाँ पे इन कैपेसिटर के ऊपर लगा सकते हैं, ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं इस कैपेसिटर के ऊपर। ओके, यहाँ पे इन कैपेसिटर के ऊपर ये जो वोल्टेज देख रहे हैं ये कैपेसिटर वगैरह चार्ज होंगे इसीलिए वोल्टेज आ रहा है। अगर मैं इसे ग्राउंड से शॉर्ट कर दूँ तो ये सारे के सारे वोल्टेज देखिए डिस्चार्ज हो चुका है कम्प्लीटली सर्किट। तो यूएसबी पीसीसी पे हमें यहाँ से एक जम्पर लगा लेना है। तो ये इसका डैमेज यूएसबी था, ये जो देख रहे हैं ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, ये निकल चुका है। खैर अभी हमारे पास ऐसा सेम यूएसबी पड़ा हुआ नहीं है तो देख लूँगा मैं दूसरे ऑफिस में, अगर हमें मिल जाए इसी तरह का सेम तो हम इसमें लगा देंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम एक जम्पर यूज़ कर लेते हैं जिससे कि ये बोर्ड अभी फ़िलहाल ऑन हो जाए, यूज़ करने के लायक बन जाए कस्टमर को, फिर हम बाद में यूएसबी दूसरा लगा देंगे। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ इसमें हम डायरेक्ट जम्पर नहीं करें, हमें क्या करना है एक फ्यूज लगाना है रास्ते में ताकि अगर कोई भी शॉर्टिंग वगैरह का इशू आए तो थोड़ी सी तो प्रोटेक्शन हो बोर्ड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूज़ जो है इस फ्यूज़ को निकाल लेंगे। ये फ्यूज़ निकल चुका है इस बोर्ड से। अब हम इस फ्यूज को इस मदरबोर्ड में लगाएंगे। तो हमें ये फ्यूज़ जो लगाना है इस कैपेसिटर के बीच में हमें लगा देना है, यहाँ पे कहीं भी हम लगा सकते हैं इस कैपेसिटर के पास, और फिर हम यहाँ से इनपुट ले लेंगे इस फ्यूज से। ओके, यहाँ से इनपुट लेंगे और इस फ्यूज़ के ऊपर दे देंगे। तो सबसे पहले हमें ये फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, कहीं पे जगह निकालना पड़ेगा फ्यूज़ लगाने के लिए। चुका है अभी हम इसमें यूएसबी वगैरह कनेक्ट करके चेक कर लेंगे क्रॉस चेक, उसके बाद इसे मदरबोर्ड पे लगाएंगे। ये पावर कनेक्ट कर दिया मैंने, नीचे आसपास देख लीजिए कहीं कुछ कंपोनेंट टच तो नहीं हो रहा है ना इसमें, क्लियर है। बोर्ड को ऑन करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते ही ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। कीबोर्ड को कनेक्ट करके डिस्प्ले कंफर्म कर लेते हैं। और शॉर्टिंग आ गया लगाते ही। आ गया ना,
तो अभी देख सकते हैं इसके ऊपर ये कीबोर्ड काम कर रहा है, ठीक है। तो हम ढूंढेंगे सेम यूएसबी, तभी ये दूसरा यूएसबी लगेगा, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं।